हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं झिलमिल मंदिर। बहुत अच्छी जगह है, चलिए आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। बाकी कोई काम नहीं, पंडित जी से भी मिलाएंगे, थोड़ी जानकारी वाले और मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, एक हमारा ब्लॉग बन जाएगा। अभी एट प्रेजेंट हमें आनंद विहार, वहाँ मंदिर के बगल में ही एक हमारा फ्रेंड रहता था, फ्रेंड क्या भाई है, उसका कुछ काम था तो वो काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हम रेलवे कॉलोनी से एग्जिट हो रहे हैं, तो देखिए रेलवे कॉलोनी। दिल्ली के अंदर यार प्रचलन डॉग का बहुत ज़्यादा है, डॉग बहुत लोग रखते हैं दिल्ली में, लेके रोड पे घूमते रहेंगे। कल ही गाड़ी में काम कराया यार, आवाज़ आ रही है फिर भी पता नहीं पीछे कहाँ से आवाज़ आ रही है। हाँ, पीछे से कहीं आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्या कमी रह गई है, पता नहीं। ये दोस्तों योजना विहार, जो कि आप आनंद विहार से आओगे और सूरजमल विहार की तरफ जाओगे, सूरजमल नगर है यहाँ, सूरजमल नगर, सूरजमल विहार, महाराजा सूरजमल के नाम से जगह है, वहाँ जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे पड़ता है सूरजमल विहार। दिल्ली का ट्रैफिक है सर जी, लेकिन सहने की आदत सी हो गई हमें तो। दिल्ली का ट्रैफिक देखते रहते हैं, झेलते रहते हैं, दिक्कतें तो होती हैं, क्या करें, हैबिट हो गई। यहाँ दोस्तों पड़ता है एक विवेकानंद क्रीड़ा मैदान, बहुत बड़ा मैदान है, अच्छी जगह है, कॉलेज भी है यहाँ, विवेकानंद कॉलेज उसका ग्राउंड है। सुबह सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए, घूमने खेलने कूदने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए शायद आपको दिख रहा हो, यमुना क्रीड़ा स्थल का ये विवेकानंद कॉलेज का ग्राउंड है। आपको घूमते हुए मिल जाएंगे NDMC के, सफाई अच्छी रहती है यहाँ पर, कचरा डालने की एक व्यवस्थित जगह होती है जहाँ डालना होता है, वहाँ से फिर ये लोग उठा के ले जाते हैं। ओहो, रेड लाइट हो गई, रेड लाइट हो गई, रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे सर जी, रूल इज रूल। दोस्तों एक ग्रीन होने वाली है, हो चुकी है ग्रीन, हम चल दिए आगे। ये देखिए आपको बोर्ड दिख रहा हो तो, सादरा विधानसभा क्षेत्र विवेक विहार, ये यूपी बॉर्डर के लिए निकलता है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे यूपी बॉर्डर है, वहीं साइड से झिलमिल पड़ेगा। इधर मंदिर है जहाँ हम आज दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे इच्छा जाएगी यार मंदिर के आज दर्शन करके आते हैं और अपना एक ब्लॉग भी हो जाएगा, आपको मंदिर दिखा देते हैं, चले आए। ये देखिए पॉश एरिया दिल्ली का, विवेक विहार का पॉश एरिया, बढ़िया जगह है, इधर ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड है, जिम वगैरह लगी हुई है, ओपन जिम है इसके अंदर। गैस एजेंसी दिल्ली की, विवेक विहार की।
बाकी आजकल तो दिल्ली के अंदर पाइपलाइन की व्यवस्था हो चुकी है, हर घर में पाइपलाइन मिल जाती है। फिर भी लोग होते हैं जिनको सिलेंडर चाहिए होता है, हर कोई पाइपलाइन नहीं लगवा पाया, रेंटल हैं या वैसे भी काफ़ी लोग रहते हैं, रेंटल ही ज़्यादा रहते हैं दिल्ली में, तो उसके बाद भी लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बड़ा डर लगता है यार, ऐसे कट में ऐसे आते हैं सामने से लोग, ठोकेगा क्या? बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठोक दिया बंदे ने। चलो भगवान की मेहरबानी रहती है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है किसी दिन। काफ़ी दिनों से मैं दिल्ली के अंदर, कई साल हो चुके हैं, 7-8 साल से बाइक चला रहा हूँ दिल्ली में। ये देखिए दोस्तों अंडरपास, कितनी भी तगड़ी बारिश हो जाए मैंने इसमें कभी पानी भरते हुए नहीं देखा। इसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने, पानी साथ में ही निकल जाता है। काफ़ी लंबा अंडरपास है, ये देखिए हम अंडरपास के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं नीचे। ये अंडरपास जो था इसके जस्ट ऊपर इसलिए अंडरपास बनाया गया कि रेलवे क्रॉसिंग थी, रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन में फाटक लग जाता था, ट्रैफिक बहुत हो जाता था। गवर्नमेंट ने अंडरपास दे दिया, ऊपर से रेलवे सेफ कर दी, ऊपर से रास्ता ही बंद है, बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसी को कहते हैं यूपी बॉर्डर। ये राइट जो जाने वाले लोग हैं ये यूपी के लिए जा रहे हैं, यहाँ से गाजियाबाद निकल जाएंगे राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले दिल्ली के लिए निकलेंगे, जो कि ISBT, वेलकम मेट्रो, गिलमिल, ये लोग निकलेंगे। ये देखिए बोर्ड दिख रहा होगा आपको, शायद हो सकता है दिख रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। GTB हॉस्पिटल, शास्त्री पार्क, ये दिल्ली के लिए रास्ता निकलता है, और जो राइट साइड है वो यूपी के लिए जा रहा है। बिल्कुल यूपी बॉर्डर पे हम इस समय, रेड लाइट हो रखी है दोस्तों, ट्रैफिक हो रखा है। इतनी लंबी रेड लाइट है, खुलने वाली है, 4 सेकंड की बची है, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 4 सेकंड है अभी। ये गिलमिल मेट्रो, गिलमिल मेट्रो को जस्ट सामने आए हुए हैं। हमारी साइड वाली नहीं खुली है, हमें राइट हैंड जाना है। ये लोग भी खोल दिए, स्टेट जाने वालों की या फिर उधर से आने वालों के लिए खोल रखा है। अभी उनकी रेड हो जाएगी तो हमारी खुल जाएगी। देखिए दोस्तों सादरा विधानसभा क्षेत्र, दिलसा गार्डन, GTB हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, येवाद अस्पताल, ये सब यहीं पे हैं। 500-700 मीटर के एरिया में पड़ता है GTB हॉस्पिटल, गिलमिल मेट्रो के पास। आते रहते हैं लोग, काम पड़े तो लोकेशन देख लीजिए, डायरेक्ट गिलमिल मेट्रो, मेट्रो लेके मेट्रो से उतरेंगे तो जस्ट सामने पड़ता है रोड, उस पर जाना है। हमारी जो रेड लाइट है वो पेड़ों से छुपी हुई है, दिख नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा हमारी खुली या नहीं खुली, क्या है। हमारी नहीं खुलेगी यार अभी शायद। इन लोगों को पता होगा कब खुलेगी, यहाँ तो पेड़ों से दिख ही नहीं रहा है। NDMC पता नहीं क्या करता है, पेड़ों को कटवाए जिससे कम से कम रेड लाइट तो दिखे, रेड लाइट भी नहीं दिखती। अब पता नहीं दोस्तों रेड लाइट ग्रीन हुई या नहीं हुई, हम तो निकल लिए,
बैटरी रिक्शा वालों के साथ में, दिख ही नहीं रहा है। और हमारी मंजिल भी आ चुकी है लगभग 200 मीटर। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं इस मंदिर पे। पहले तो यहाँ पे गेट पर रोकते थे लोग, एंट्री वगैरह करवाते थे, रजिस्टर एंट्री करो, ये वो था वो। अभी पता नहीं क्या स्थिति है, देखते हैं चल के। हम गेट पर आ चुके हैं, मंदिर सजा हुआ दिख रहा है आज बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर सजावट चल रही है बढ़िया तरह से। पंडित जी नमस्कार, नहीं पहचाने? अरे यार, तो नजर इतनी कमजोर थोड़ी हो जाएंगे।